तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट वीडियो है गाइस। देखते मार्केट में कहाँ क्या हुआ है। तो सबसे पहले आज गाइस यहाँ पे निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, ठीक है, 28 नवंबर निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ है। मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे दिखाना चाहता हूँ, कैसे सिंपल सिंपल चीज़ों की चीज़ें से ही मार्केट्स में पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इसको बड़े चार्ट में इधर खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे देखेंगे तो छोटे छोटे चीज़ें अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, जो चीज़ें आप पहले से जानते हैं, ठीक है, तो उतना ही काफ़ी है। लेकिन लोग का क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें करना है, यही प्रॉब्लम है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा, देखिए दुनिया में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो चल रहा है ना, बस उसी को आपको आगे फॉलोअप करना है, बस डेट्स इट। और कुछ भी गाइज नहीं करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे मार्केट कहाँ पे खोला था, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जो है फ्लैट ही खोला था, ठीक है, फ्लैट खोला था 3 दिनों से। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे क्या था, साइडवेज था 3 दिनों से। देखिए एक खतरनाक फ्राइडे को मोमेंटम हुआ था, ये वाला फ्राइडे का मोमेंटम हुआ, उसके बाद गैप अप खुल रहा था और रेजिस्टेंस के आसपास ही था। तो यहाँ पे मार्केट एक ही जगह पे बार बार यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ऊपर से कहीं ना कहीं 350 के आसपास से रेजिस्टेंस अगर से बार बार ले रहा था, ठीक है, वहीं से गया, दोबारा फॉल हुआ है। तो वहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कुछ तो यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। हाँ, रेजिस्टेंस पे गया है, देखो यहाँ पे सीधा रेजिस्टेंस, आपको इधर डबल टॉप दिख रहा है, बैक करोगे तो इधर मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। और इधर जाओगे तो और इधर पीछे तुमको मिलेगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा तब तक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा ऐसे से बना हुआ ना, यहाँ पे देखिए कितना अच्छे पैटर्न्स बना हुआ है, शूटिंग स्टार बना, मार्केट फॉल किया वापिस। यहाँ पे देखिए पहला कैंडल यहाँ पे पहला बना, वीक छोरा, इंडिकेशन लगा कुछ तो गड़बड़ है, नीचे भी वीक छोरा। तो इस कंडीशन में प्रीमियम दोनों साइड गए, जहाँ पे इंक्रीज हो गया था, उसके बाद फिर से देखो जब ऊपर जा रहे थे अब वीक छोड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, वीक छोड़ा शॉर्ट नहीं करना है, हैंगिंग बना शॉर्ट नहीं करना है, शूटिंग स्टार बना अभी भी नहीं करना है, एक रेंडल बना, हाँ अभी ये तो घर वाला है, अभी डबल टॉप बन चुका है, शूटिंग सारा चीज़ें। हम लोग ये तीसरा रेट पे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को शॉर्ट करते हैं, फिर बेसिकली पुट खरीदते हैं, 300 का पुट खरीदो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे 250 का पुट खरीदो और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, और आपका प्रीमियम लगभग 10 से 20 गुना यहाँ पे हो जाता है, फास्ट मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे टाइम पास करता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे 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 धीरे, उसके बाद लास्ट में एक शार्प बाइंग यहाँ पे हैपनिंग होता है, लगभग लगभग 1:45 बजे के आसपास यहाँ पे बॉटम बनाता है, और डबल बॉटम बना के यहाँ पे मार्केट रिकवर करने का ट्राई करता है, सिंगल कैंडल तेज आता है, एक ही कैंडल में पूरा पूरा रेजिस्टेंस का पहुंच जाता है। तो सिंगल कैंडल पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, लगभग 80-90 पॉइंट का, अब एक ही कैंडल पे रेजिस्टेंस में पहुंच गया तो ये दिक्कत है। यहाँ पे शूटिंग है सर, जैसे मैंने जस्ट शॉर्टेड मार्केट को शॉर्ट किया, वापस सिंगल ही कैंडल पे ही गिर गया, तो यहाँ पे क्या बना, सिंगल कैंडल में पैसा बन गया। तो अभी देखो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब इसलिए हो रहा है क्योंकि FI पहले क्या करता था, FI जो होता है, FI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो पहले क्या करता था, ऑप्शन वो लोग सेल करता था, ठीक है, लेकिन आजकल ऑप्शन सेल नहीं करके ऑप्शन बाय कर ले रहा है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा भाई, देखिए उसके लिए वेबसाइट है गाइस, अब जिसका भी जिस दिन एक्सपायरी होगा, ये रूल केवल उसी के लिए, तो जैसे अभी तो फिलहाल एक्सपायरी वगैरह बंद हो गया, अभी भी सप्ताह में 2 एक्सपायरी मिलेगा, सेंसेक्स का और एक आपको निफ्टी का। तो जैसे एक्सपायरी हो ना, तो उसका आपको ये वाला चार्ट, एस्ट्रल चार्ट लगाना है और यहाँ पे देखना है, अगर खुलते के साथ मार्केट में यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट के आसपास, मतलब आधा घंटा शुरू से थोड़ा ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे अगर प्रीमियम में फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब प्रीमियम घटने की वजह बढ़ रहा है, स्ट्रगल घटने की वजह बढ़ रहा है, तो उस दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा मार्केट में, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, दोनों साइड मूव हो सकता है, फिर बहुत खतरनाक लंबा मूव हो सकता है, उस सतर्क रहे, सावधान रहे, तो ये यहाँ पे समझना चाहिए होता है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, स्ट्रगल पहले बढ़ा है यहाँ पे, उस पर धीरे धीरे गिरा, फिर से बढ़ा, फिर धीरे धीरे गिरा, फिर से बढ़ा, तो ऐसा कई बार होता है, ठीक है।
इससे सबको समझ जाएगा कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाता है, तो उसको आप यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा सीन है। और उसके बाद ऐसा देखो कि मार्केट जब गिरा था बहुत तेज़ी से, उसके बाद जब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ता है तो मार्केट फिर रिकवर नहीं कर सकता। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया ना तो वापस वी शेप में कैसे करेगा, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे टाइम पास करते करते नीचे आ गया। तो ये सारे चीज़ में कॉल शॉर्ट वाला काफ़ी अच्छा पैसे बनाएंगे, या फिर जिसका इंदा मन यहाँ पे पुट जो ऑलरेडी पहले खरीद रखा है वो बनाएंगे, ठीक है। दूसरा लोग फिर यहाँ पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ अच्छा कोई पैटर्न बनेगा तो हमें बन सकता है। जहाँ पे टाइम पास किया, ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे एक अच्छा बनता है, पुल बैक लिया, इधर पुट बैक था, वहाँ पे अच्छा बनता। मेरा कहने का सेंस ये है ना, आप यहाँ पे कुछ मत करो, आप केवल यहाँ पे हैमर पैटर्न और शूटिंग स्टार पैटर्न पे काम करोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। टॉप क्वालिटी का हैमर होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट हैमर पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। टॉप क्वालिटी का हैमर, लाइक यहाँ पे इस प्रकार से हैमर होना चाहिए, इस प्रकार से शूटिंग स्टार होना चाहिए, ठीक है। अच्छे प्लेस पर होना चाहिए। अभी शूटिंग स्टार पर उतना ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और थोड़ा पुल बैक लेता तब बेस्ट रहता। ये शूटिंग स्टार पर ट्रेड करो, इस शूटिंग स्टार पर ट्रेड करो, तो ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे इस पे ट्रेड करो, ये वाला शूटिंग स्टार पर, ठीक है। हिट हो गया, दोबारा लो एंट्री। इसके अलावा यहाँ पे, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार पे ट्रेड करो, तो वो चीज़ है। अगर इसके अलावा कल एक्सपायरी था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। बैंक निफ्टी यहाँ पे लिख देते हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक आ गया। निफ्टी बैंक में कल क्या बना, कल हैमर बना हुआ था निफ्टी बैंक, कल हैमर बना, मार्केट क्या चल गया, ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखो निफ्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो हैमर बना हुआ था और ये ऊपर मार्केट देखो ऊपर चला गया। तो यही चीज़ होता है, आप बेसिक बेसिक चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का गेम समझना पड़ेगा। देखो यहाँ से मार्केट में सप्लाई था तो इस एरिया में ऊपर जा रहा था, इसके ऊपर मतलब इस नीचे यहाँ पर डिमांड था, ऊपर सप्लाई था, तो ऐसे फॉल कर रहा था, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया तो वापस यहाँ से ब्रेकआउट फेल्योर हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। तो सप्लाई एंड डिमांड का सारा सारी खेल है गाइस, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है गाइस। और बेसिक चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तभी यहाँ पे पैसा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और जब आपको लगे कि मार्केट में थोड़ा सा प्रीमियम क्या है, थोड़ा सा कम है, जैसे आपको इससे लग जाए ना प्रीमियम कम है, तुरंत यहाँ पेपर में लिख कर रख लो प्रीमियम आज कम है, और उस दिन ऑप्शंस को सेल मत करो, उस दिन ऑप्शंस को बाय करो, ठीक है। बाय करना है, सेल करना है, कैसे पता चलेगा, आपको अंदर से फील आएगा मार्केट में प्रीमियम कम है, ये तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार काम करो, तो ऐसे सीन है, ठीक है। अब कल के दिन देखिए मार्केट पूरा साइडवेज था, कोई खास प्रीमियम था ही नहीं मार्केट में, यहाँ पर पूरा साइडवेज था। एटीएम 60-60 रुपए में मिल रहा था, उसके बाद एक खतरनाक स्पाइक आता है, 60 वाला डायरेक्ट 400-500 चला जाता है, ठीक है। सो हो गया था, लग रहा था प्रीमियम है ही नहीं मार्केट में, तो उसी समय गाइस स्पाइक आता है। जब आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर कॉल भी खरीद लो, पुट भी खरीद लो, ठीक है। और थोड़ा वेट करो, और कहीं ना कहीं तो मार्केट चला ही जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल अब सप्ताह में आपको दो ही एक्सपायरी मिलेगा, आपको निफ्टी का एक्सपायरी यहाँ पे देखने को मिलेगा और दूसरा यहाँ पे सेंसेक्स का एक्सपायरी देखने को मिलेगा। सो सोचो थोड़ा अपडेट थोड़ा दे देता हूँ गाइस, ठीक है। बस दो एक्सपायरी, और गाइस यहाँ पे देखिए आज कुछ पुट यहाँ पे बाय करना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे 24,200 का पुट वगैरह खरीदते, तो यहाँ पे ये पुट जो है 13 रुपये वाला यहाँ पे 200-370 तक गया, बट क्लोजिंग तब हुआ है, क्लोजिंग 280 पे हुआ है। बाय कितने पे होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बाय होता है लगभग लगभग आपका 1820 रुपए के समथिंग आराम से बाय होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। 14-15 रुपये का सेशंस रहता पहला मूव में यहाँ पे, और 200 के समथिंग जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये जाते रहा, क्योंकि प्रीमियम इंदा मनी बन गया, इंदा मनी बन गया तो क्या होगा, ये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सो ऐसा ऐसा दिन केवल मंथली एक्सपायरी के दिन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा सीन है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि एक्सपायरी कम हो गया है, तो मे बी इतना सस्ता प्रीमियम आपको ना मिले, क्योंकि ज़्यादा मतलब सेम डे एक्सपायरी और जीरो डीटी के कारण क्या होता है, तुरंत सेलिंग होता है, प्रीमियम घट जाता है, उसके बाद बाइंग आता है, प्रीमियम स्पाइक करता है।
लेकिन अब वो थोड़ा सा कम होगा आई थिंक, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक्सपायरी जो है वो अब थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब दो ही हो रहा है, जिसके वजह से हाँ जिस 2 दिन तो होगा, जिस दिन एक्सपायरी उस दिन फिर ये चीज़ होगा, ठीक है, उस दिन लोग आएंगे ऑप्शन सेलिंग करेंगे 0 DD, उस दिन ऐसा होगा। तो बायर जो भी बायर लोग करते हैं ऑप्शंस बाय, हाँ ऑप्शन बाय जो भी करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं 0 DT पे आके, उस दिन लोग सब प्रीमियम कम होगा तभी हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हैं बेसिकली। बाकी नॉर्मल दिन नॉर्मल ट्रेड कीजिए, और एक्सपायरी दिन एक्सपायरी के दिन पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो उस बाय करने का डायरेक्ट नाम रहता है एक्सपायरी दिन पे बाइंग करने का नाम ही हीरो जीरो ट्रेड, ठीक है। और ऑप्शन सेल भी कर रहे हो तो वो भी हीरो जीरो ही ट्रेड है, ऐसा मान लो। अगर आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड करो 0 DT तो हीरो जीरो ही ट्रेड होता है और कुछ भी नहीं होता है। और सेलर के लिए तो भाई क्या ही बोले, उसके लिए 0-0 ही ट्रेड होगा, क्योंकि प्रॉफिट 1:1 के समथिंग समथिंग रिस्क रिवार्ड निकल के आता है जब आप एक्सपायरी डे पे सेलिंग कर रहे हुए तो। लेकिन जब बाइंग करोगे ना आपका 1:20, 1:40 इस प्रकार से रिस्क रिवार्ड निकल के आता है, जहाँ पर रिस्क रिवार्ड ज्यादा आता है वहाँ पे आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद है गाइस वीडियो को पसंद आया होगा। और सेलिंग वगैरह जो लोग करते हैं ना, तो मैं क्या बता दिखाता हूँ कुछ डेटा, ये FI वाले लोग जो है ना, ये भाई क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई वो लोग ऑप्शंस बाइंग शुरू कर दिया है, केवल मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। फिलहाल लाइन पे बने रहिए आप लोग, सेंसिबल पे कुछ डेटा यहाँ पे दिखाता है जिससे आप लोग समझ सकते हैं। उसका जब मन होता है तब कुछ 2-3 3 दिन अगर वो ऑप्शन सेलिंग किया तो 1 दिन बाइंग करके जाएगा, और उस दिन रिटेलर, आजकल रिटेलर भी ऑप्शन सेलिंग बंद करता है, ठीक है। रिटेलर करेगा तो क्या होगा कि फिर रिटेलर को लॉस लगाता है वो लोग। आप देखिए ऐसा नहीं सोचिए कि FI के पास बहुत पैसा है तो वो केवल ऑप्शन सेल ही करेगा, ऑप्शन सेल है बाय भी करते, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ FIDI डेटा आज के दिन पे अभी क्या किया उन लोगों ने, अभी देखिए FIDI डेटा पे जैसे जाएंगे यहाँ पे खुल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे देखिए इंडेक्स ऑप्शन वो लोग क्या किया, कॉल में देखिए क्या किया, कॉल को 78,000 क्वांटिटी उन्होंने कॉल को बाय कर रखा था, और पुट को उन्होंने 5 लाख क्वांटिटी देकर पुट को खरीद रखा था, खतरनाक, ठीक है। हाँ, और रिटेलर को देखिए, रिटेलर ने यहाँ पे क्या किया था, रिटेलर ने यहाँ पे देखिए 8.5 लाख क्वांटिटी पुट को शॉर्ट कर रखा है, रिटेलर मार्केट के ऊपर सुपर बुलिश था, ठीक है। और कॉल को लोग ने 11-12 हज़ार क्वांटिटी मात्र क्या किया था, बाय किया था, हद है, ठीक है। देख रो कितना बुलिश था, पूरा पुट ही शॉर्ट करके बैठा, रिटेलर ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, FI ऑप्शन बाइंग कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, रिटेलर वाला काम FI कर रहा है, FI वाला काम जो है मतलब रिटेलर का हद है, ठीक है। तो ऐसा सीन हो गया है गाइस, जिसकी वजह से रिटेलर को बार बार नुकसान होता है, क्योंकि रिटेलर ऑप्शन सेलिंग करने लगा है, ठीक है। तो सीन ऑप्शन सेलिंग तब किया जाता है जब मार्केट में क्या हो, प्रीमियम से ज़्यादा हो, और मार्केट क्या हो थोड़ा आसपास में ट्रेंड किया हो, तब यहाँ पे 3 दिन से ऑलरेडी मार्केट क्या है साइडवेज है, और तो ये ऐसा दिन पे कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। और प्रीमियम बिहेवियर पहले से थोड़ा सा अगर स्टेडल स्पाइक लग रहा है तो उस दिन तो खास करके नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे स्टेडल स्मूथ डी के तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। सो कुछ बेसिक सा चीज़ें था, सोचा मैं अपडेट कर देता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मे बी कुछ लोगों को हेल्प हो जाए। और ऐसा नहीं, आप देखिए यहाँ पे मार्केट लास्ट में किस प्रकार से गैस गिरा था, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने एक ट्रेड भी लिया था वहाँ पे, हम लोग ट्रैप हो गए थे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे था वो सीन, यहाँ पे आई थिंक वो ट्रेड लिया था, यहाँ पे कहाँ पे प्रीमियम क्या स्पाइक किया था भाई साहब, इधर के समथिंग समथिंग हम लोगों ने ट्रेड लिया था फुट पार्ट का, ऊपर गया मार्केट, हमको लगा वो थोड़ा सा गिर रहा है, खूब बोल यहाँ तक आएगा, रुक जाएगा, यही आसपास क्लोजिंग हो जाएगा, आई मेरे को ऐसा लग रहा था, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, यही कैंडल में वापस आ गया था, अगर मैं ऑप्शन बाय करता तो यहाँ पे मेरा कॉल यहाँ पे डबल हो गया, ठीक है, जाने के लिए मेरा कॉल डबल हो गया, मैं निकल जाता, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कौन सा कॉल डबल हुआ, 24,000 कॉल्स नॉर्मली बाय करते, तो मैं दिखाता हूँ 24,000 कॉल्स यहाँ पे डबल हुआ कि नहीं हुआ, हो जाता है डबल, ठीक है।
इसलिए बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग प्रेफर तभी करना चाहिए उसी कंडीशंस में। अभी देखो इधर के समथिंग आसपास बाय वन है, 50 समथिंग बाय 110 तक डबल हुआ पैसा, बुक करो 100% वाई तुमको 5-10 मिनट में मिलना है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग वही है, जीरो तो होने वाला है ना, ठीक है। उसके बाद तुमको शूटिंग स्टार बना, सिग्नल से रेड में इधर 2 कैंडल बन गया है, तो उसके बाद क्या करोगे, पुट खरीदो। 24,000 का पुट फिलहाल दिखा देता हूँ, हाँ देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक भागा ये पुट जो है, 30-25 रुपये का प्रीमियम सीधा का सीधा यहाँ पे ले गया डायरेक्ट 200 रुपये, 190 रुपये के समथिंग। क्या हाल होगा, चलो ठीक है, ऊपर नहीं बुक हो पाया, सेलर को तो हालत बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलो इधर के आसपास कहीं ना कहीं बुक होता है 120 के समथिंग समथिंग, तो ये होगा 4-5x का प्रीमियम होगा सेलर यहाँ पे ट्रैप है। हम लोगों का यहाँ पे सेलिंग था इधर के समथिंग नीचे आया, उसके बाद जब स्पाइक लगा हम लोग का टिप अटैक, हम लोगों का इधर मतलब क्या बोलते हैं कट आया, ठीक है, तो बिग लॉस उसको होल्ड भी कर दे इधर करता, तो ऐसा सीन हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ऐसे वाले दिन पे, थोड़ा सा ज़्यादा अवॉइड बोला ज़्यादा सीनेरी होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रीमियम कॉन्सलेट बार और वीक छोड़ रहा था, जिसके वजह से हम लोगों ने सेल किया था, ठीक है अभी ब्रेकडाउन हो गया इस स्विंग्स का, अब तो लगता है नीचे जाएगा, लेकिन जैसे ब्रेकडाउन हो वहीं से स्पाइक लगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइस देखना पड़ेगा, सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यस वो चीज़ें समझना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद कर दो वीडियो पसंद आया होगा, एंड कल आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी है, कल आप कहाँ पर मार्केट ओपनिंग होता है उसके अनुसार देखते हैं, बाकी एनालिसिस करने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, सब कुछ निगेटिव में क्लोजिंग हुआ है, तो देखते हैं सेंसेक्स कैसा कहाँ पर खुलता है, उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या गाइस नहीं करना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सेंसेक्स का कोई भी एनालिसिस नहीं करूँगा, अगर होगा तो मैं मॉर्निंग पे डाल दूँगा वीडियो, बाकी मार्केट ट्रेड होने के बाद US वगैरह में क्या इसका इम्पैक्ट दिखता है उसके बाद मैं यहाँ पे मॉर्निंग पे वीडियो बना के गाइस डालूँगा। फिलहाल अभी फिलहाल जो मेरा एनालिसिस उसे थोड़ा सा ही बोलता है, अभी देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पर हैमर बना है मार्केट, कल के दिन पे अभी थोड़ा सा जो है आपको गैप अप देखने को मिलेगा, ये 79,000 के ऊपर मार्केट खुल सकता है, अगर खुलता है तो काफ़ी सही है, एंड एक रेंज यहाँ पे बन गया 500 पॉइंट्स का, कोई कल खास कोई खास मोमेंटम मार्केट में नहीं होना चाहिए, इसी का असर मार्केट में ज़्यादातर फिलहाल ट्रेड हो सकता है गाइस। और गलती से अगर नीचे वाला ब्रेकडाउन देता है ये स्विंग्स का, तो फिर आपको मार्केट को शॉर्ट करना पड़ेगा फर्दर टारगेट के लिए, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है, तो मोमेंटम फिर फर्दर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब एक बड़ा मोमेंटम किया गैप अप खुलने के बाद, मार्केट 3 दिन साइडवेज, उसके बाद एक मोमेंटम किया है, फिर एक मोमेंटम किया, फिर 2-3 दिन साइडवेज रहेगा, फिर मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके एंड बाय।